अब सुनिए नया प्लान, भगवा ब्रिगेड का ताजा फरमान। 2021 तक भगा देंगे देश से ईसाई और मुसलमान, हिंसा और घृणा का एक्शन प्लान। लो जी, फिर चली है इनकी जहरीली जुबान, और इस बार तो जुबान का गुमान पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गया। पिछले बार तो धर्म के ठेकेदारों ने रेट लगाए थे, इस बार तो फरमान सुनाया है, प्लान बताया है, तारीख तय कर दी है कि देश में ना ईसाई रहेंगे ना मुसलमान, यानी 2021 के बाद सिर्फ हिंदू। अब सुनिए नया प्लान, भगवा ब्रिगेड का ताजा फरमान। 2021 तक भगा देंगे देश से ईसाई और मुसलमान, हिंसा और घृणा का एक्शन प्लान। जी हाँ, हिंसा और घृणा का एक्शन प्लान। दरअसल धर्म जागरण मंच के राजेश्वर सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि 31 दिसंबर 2021 तक देश में ना मुसलमान रहेंगे और ना ही ईसाई। अब सवाल यह है कि क्या भगवा ब्रिगेड ने बनाया है हिंसा और घृणा का एक्शन प्लान? आप इंतजार करिए, आप देखते जाइए। अभी तो हमने 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को खत्म करेंगे, हमारा संकल्प है, मेरा संकल्प है, मेरे साथियों का संकल्प है। हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे, नहीं कर पाए तो फिर एक चरण और बढ़ा देंगे, किंतु यह हमारा संकल्प। देख लीजिए मोदी जी, सुन लीजिए मोदी, जान लीजिए और पहचान लीजिए मोदी जी। ये आपकी पार्टी से नाभिनाल का रिश्ता रखने वाले संगठन के सिपाही हैं, और भी साथी हैं इनके, ये अकेले नहीं है। संकल्प लिया है जिसका कोई विकल्प नहीं, अब तो ऐलान है, फरमान है, हिंसा और घृणा का एक्शन प्लान है भगवा ब्रिगेड का। भारत में ना रहेंगे ईसाई ना रहेंगे मुसलमान, तारीख तय है। जागरण मंच वालों ने जहर उगला है लक्ष्मण रेखा लांग कर, फिर सुन लीजिए। आप इंतजार करिए, आप देखते जाइए। अभी तो हमने 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को ख़त्म करेंगे, हमारा संकल्प है, मेरा संकल्प है, मेरे साथियों का संकल्प है। हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे, नहीं कर पाए तो फिर एक चरण और बढ़ा देंगे, किंतु यह हमारा संकल्प। मजहब की मंडी में धर्म का धंधा करने वाले ये वही ठेकेदार राजेश्वर सिंह हैं, जिन्होंने पुरखों की वापसी में पैसों से बोली लगाई थी, मुसलमान के 5 लाख और ईसाई के 2 लाख। अब फिर ईसाइयत और इस्लामियत के लिए मुहूर्त निकाला है, तारीख भी तय है 31 दिसंबर 2021। नाभिनाल का रिश्ता है, लेकिन बीजेपी कह रही है हम नहीं जानते, हम तो सबका साथ जानते हैं और सबका विकास जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। जहां तक नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो बात कही है वो पार्टी के सांसदों के संदर्भ में कही है, पार्टी के नेताओं के संदर्भ में कही है, पार्टी के और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के संदर्भ में कही है, और जो सबका साथ सबका विकास वाला संकल्प है उसको साकार करके दिखाएं। क्यों चाहिए सबका साथ, फिर क्यों करना है सबका विकास? क्यों हो रहे हैं दावे, क्यों किए जा रहे हैं मंच और माइकों पर बड़े बड़े वादे? ऐसे तो बेईमानी लगती है सारी बातें। कहने वाले तो कह रहे हैं कि ये सब मिले हैं, इनके दिल मिले हैं, पीएम की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता पार्टी। देखिए, मोदी जी के कथनी करने में भी फर्क दिखाई दे रहा है। अगर मोदी जी कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा ना लांघे, तो राज्यसभा में अपनी बातों को कहने से क्यों कतरा रहे हैं? राज्यसभा में उनको अपनी बात कहनी चाहिए, खासतौर से विपक्षी पार्टियों के जितने भी राज्यसभा सांसद हैं वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आकर के अपनी बात कहें। अब जिस तरह से राजेश्वर जी ने कहा है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये सभी लोगों की मिली भगत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर वो चाहेंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो सरकार से अलग हट करके इस तरह की बयानबाजी करे। बहरहाल पीएम मोदी ने नसीहत दी थी तब भी नहीं माने, अब तो लक्ष्मण रेखा लांघते हुए ताजा फरमान सुना दिया है भगवा ब्रिगेड ने। इसीलिए सवाल ये है, जब संगठन से जुड़े लोग हिंसा और घृणा का एक्शन प्लान बनाकर फरमान सुना रहे हैं, तो पीएम मोदी क्यों विकास का नारा लगा रहे हैं? ऐसे तो नहीं बनते विकास और विश्वास के पुल, तय क्यों नहीं कर लेते किस रास्ते पर जाना है? साजिद अली, ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
तो पहले धर्मांतरण का मामला, उसके बाद रेड कार्ड जारी कर दिया और अब जनाब संकल्प ले रहे हैं कि 2021 तक ना तो ईसाइयत बचेगी और ना ही इस्लामियत। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जावेद आब्दी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शंकराचार्य द्वारका पीठ के प्रवक्ता आचार्य अजय गौतम जी भी और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी, आखिर ये एक्शन प्लान है क्या जिसके तहत हिंसा की बू आ रही है, घृणा की बू आ रही है? गायत्री जी, आपने सही सवाल गलत जगह पे पूछ लिया है। ये एक्शन प्लान क्या है, इसके पीछे किस प्रकार की घृणा है, किस प्रकार की राजनीति चली जा रही है, मंशा क्या है वास्तविकता में, इन सारी चीजों का जवाब जो है वो हमारे हरीश भाई जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का वही बात है नारी और नाल का, जैसे आपने कहा है कि वो साथ है आपस में, कोई कुछ बोलता है दूसरा कह देता है बीजेपी से मतलब नहीं है। हर जगह जो है आप देखिए तो ये सारी नदियां जो है जैसे समंदर में जाके मिल जाती, वैसे ये सारे जितने भी इस प्रकार के जितने भी बने हुए हैं, चाहे वो ये धर्म जागरण मंच हो या जितने भी इस प्रकार की संस्थाएं, ये सब जाकर के आरएसएस में कहीं ना कहीं विलीन हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से होते हुए। तो वास्तव में जो मोदी जी ने कहा है, जो बात मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, तो शायद अगर इस प्रकार से वो सबका साथ लेना चाहते हैं और इस प्रकार से सबका विकास करना चाहते हैं कि एक माइनॉरिटीज जो है वो पूरे देश में रहेंगी ही नहीं, और जब वो रहेंगी नहीं तो वो अपने आप सबका साथ होगा, उसके बाद पे वो सबके विकास की बात करेंगे। 2021 तक का जो प्लान है भारतीय जनता पार्टी का वो स्पष्ट रूप से सामने निकल करके आ गया है और लगातार अलग अलग मंचों से ये प्लान जो है वो निकल करके आता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी अंतर्द्वंद की स्थिति में है। एक जगह वो गांधी जयंती के ऊपर जो है स्वच्छ भारत का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ जो है गॉडसे को जो है राष्ट्रभक्त बता देते हैं। एक जगह कहते हैं कि विकास की बात होनी चाहिए, विकास किया जाए, डेवलपमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ डिविसिव पॉलिटिक्स जो है उसको करते हैं। तो ये आपस में इन लोगों में एक खींचतान मची हुई है जिसके अंदर जो असली चेहरा है वो शने शने करके बाहर निकल रहा है। जी, असली चेहरा धीरे धीरे बाहर आ रहा है, खींचतान की स्थिति मची हुई है। जावेद जी, मोदी लगातार लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, पहले नसीहत भी दी, लेकिन ये भगवा ब्रिगेड तो मान ही नहीं रही है। जाहिर है आज पूरे देश को पता चल गया कि मोदी जी का कितना कंट्रोल भगवा ब्रिगेड पर है जी। या तो दूसरी चीज है, या दूसरी चीज ये कि मोदी जी अपने सेकंड या थर्ड लाइन के लीडर्स को कहते हैं कि आप ऐसा ऐसा बोलो, इख्तलाफ की बातें करो, नफरतों का जहर फैलाइए और हम खामोश रहेंगे। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मिसाल है कि नानी से कहो जागती रहो और चोर से कहो चोरी करें जी। आचार्य अजय गौतम जी, जी ये राजेश्वर सिंह कौन होते हैं जो ये फैसला करेंगे कि देश में कौन रहेगा और कौन नहीं? देखिए, बात राजेश्वर सिंह का पूरा अधिकार है, संविधान की धारा 25 उन्हें इजाजत देती है कि वो अपने धर्म को प्रपोगेट करे, अपने धर्म का प्रचार करे, प्रसार करे, बढ़ाए। और जो कि पिछले 65 साल की आजादी के अंदर जो छूट ईसाई मिशनरीज को मिली है, जो छूट मदरसों और मस्जिदों को मिली है, अगर वही छूट आज कोई हिंदूवादी संगठन ले लेते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? और धर्मांतर का जो मुद्दा है जिसे फोर्सिबली जबरदस्ती धर्मांतरण कहा, तलवार की नोक पे औरंगजेब के टाइम में शुरू हुआ था और जो लव जिहाद के नाम पर आज तक जारी है। मैं कोट करना चाहूंगा केरल के मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका सितंबर 2012 में दिया गया बयान, उन्होंने ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर होने के नाते कहा कि केरल के अंदर, सिर्फ केरल के अंदर 3000 से अधिक हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया, जिसमें से 832 मुकदमे रिपोर्ट हुए। तो ये तो वो तो कह रहे हैं सामने कि हाँ भाई, हम जो है अपने जो लोग चले गए थे वापस ला रहे हैं। लेकिन ये जो धर्मांतरण है जो लव जिहाद के नाम पर होता है, या ये जो धर्मांतरण है जो गरीब जो वो हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनको मिशनरीज के नाम पे, डबल रोटी के नाम पे, वजीफे के नाम पे, कपड़े के नाम पे, शिक्षा के नाम पर जो उनका धर्मांतरण किया जाता है, अगर 65 साल देश की आजादी को उन्होंने छूट भोग ली तो अगर 5-10 साल उसको हिंदूवादी संगठन कर लेंगे तो किसी का क्या नुकसान जा रहा है? सबकी अपनी और सबकी। श्रीवास्तव जी, मोदी की लक्ष्मण रेखा के बावजूद भी आखिर ये भगवा ब्रिगेड रुक क्यों नहीं रही है, या यूं कहें कि कोई कामयाब कोशिश ही नहीं की गई इनको रोकने की? गायत्री जी, मैं एक तो हिलाल साहब और जावेद साहब दोनों की बात से असहमति जताते हुए मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि राजेश्वर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है,
वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये उनका अपना निजी विषय है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास जो हमारा मुद्दा है उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट घोषणा है कि हम भारत के 125 करोड़ लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं। तो ये तोहमत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया जाना नितांत आपत्तिजनक है। इसका इससे कोई वास्ता नहीं है और ये केवल एक भ्रम फैलाने की और राजनीतिक रोटियां सेके जाने की एक षड्यंत्र है। अमिताभ जी के भ्रम फैलाने की स्थिति बन रही है? भ्रम तो है ही नहीं कहीं इस पूरे मामले में। जैसा हमारे भाई हिला लखवी जी कह रहे थे, ये जो बात जावेद आब्दी जी ने कही, मैं इस बात को थोड़ा और साफ कर दूं, भ्रम कहीं नहीं है मित्र, शीशे की तरह चीजें साफ है। कुछ चीजें अपन समझते चले। पहली चीज, जो लोग वकालत से वाबस्ता होंगे वो बात को समझेंगे। जब अदालत में मामला जाता है ना जावेद आब्दी, तो जज ये भी देखता है कि इस अपराध से लाभ किसको हुआ, एंड बेनिफिशियरी कौन था। वो कहता इसको भी ले आओ भाई पकड़ के, 120 बी में इसको भी डालो, करता है ना। अंतिम लाभार्थी कौन है? इन सब प्रपंचों का अंतिम राजनीतिक लाभार्थी कौन है? इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। अंतिम लाभ किसको? जो चुनाव लड़ रहा है उसी को ना मिलेगा, इसलिए अंतिम लाभार्थी वो। मुझे याद है, हरीश जी को भी याद होगा, राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चल रहा था उसमें भी अगलम सगलम बयान आते थे नाना प्रकार के। नहीं, भैया सुन लो हरीश जी, मुझे सब पता है इतिहास, मैं तिथियों के साथ बता दूंगा पालमपुर में कब अधिवेशन हुआ, कब पहली बार भाजपा के औपचारिक तौर पर प्रस्ताव आया, वो सब मैंने कवर किया, मुझे याद है तारीखें, वो उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो भाजपा उनसे भी हाथ झाड़ लेती थी, कहती थी भाई आचार्य धर्मेंद्र हमारे नहीं है, लेकिन आचार्य धर्मेंद्र जो बो जाते थे उसकी फसल तो भाजपा ही काटती थी। एक अब एक टेक्निकल बात कह दूं ताकि ये भ्रम सदा सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाए, फिर अजय गौतम की बात का उत्तर दूंगा, पहले राजनीतिक उत्तर दे दूं। भारतीय जनता पार्टी और संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके बीच में रिश्ता केवल कानों वाला नहीं, कि मैं सुना है नहीं, इसका प्रामाणिक रिश्ता है। प्रामाणिक रिश्ता कैसा? जैसा एक पुत्र का बाप के साथ होता बल्दियत का रिश्ता। अजय गौतम जी आप भी समझ लो, ये बल्दियत का रिश्ता है। पूछो कैसे, मैं सबूत के साथ बोलूंगा, बिना सबूत कुछ नहीं। बल्दियत का, हिलाल लखवी जी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको समझिए जी। 77 में जब मसला आया कि दोहरी सदस्यता, तो उस समय के जनसंघ में जिसमें तमाम बड़े लोग थे, सुंदर सिंह भंडारी थे, नानाजी देशमुख थे, वाजपेयी जी थे, उन सब लोगों ने बैठकर यह तय किया कि हम अपनी मां को नहीं छोड़ सकते, जनता पार्टी जाए सरकार जाए सब मंजूर, लेकिन मां नहीं छोड़ सकते। मैं इसको बुरा अच्छा कुछ नहीं मानता, यह भाजपा का फैसला था जनसंघ का उस समय की, ठीक। इसका मतलब रिश्ते में कहीं कोई भ्रम नहीं। तो फिर एक बड़ा ट्रांसफार्मर, उससे मोहल्ले भर में बत्ती जा रही हर घर में, लेकिन ट्रांसफार्मर एक है ना, उसी से जागरण मंच भी ले रहा है, उसी से राजेश्वर सिंह का संस्था भी ले रही है, उसी से विद्यार्थी परिषद भी लाइट ले रही है, उसी से भाजपा भी लाइट ले रही है, वनवासी गिरवासी कल्याण परिषद भी लाइट ले रही है, दुर्गा वाहिनी भी लाइट ले रही है। पावर हाउस तो दूसरा कोई है ही नहीं, कनेक्शन तो एक ही ट्रांसफार्मर से गए, इसलिए एक बात यह हो जाए साफ। अब आगे से जो बहस चले वो ये नहीं हो कि कौन है राजेश्वर सिंह, हम तो जानते नहीं, ये नहीं, क्योंकि फिर राजेश्वर सिंह की वो बात बता दूंगा जिसमें राजेश्वर सिंह कह रहे हैं, पूछा गया उनसे कि अलीगढ़ का पोस्टपोन क्यों कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हमारे नेतृत्व ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व ने कहा कि अभी उचित समय नहीं है, इसलिए हमने उसको स्थगित कर दिया। नेतृत्व उनका भी वही है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दूसरी बात जो हमारे मित्र अजय गौतम ने कही, इतिहास की गलतियां सुधारने चलेंगे तो सभ्यताएं और मुल्क तबाह हो जाएंगे। इतिहास की गलतियां सुधारने अगर चलोगे तो, कि औरंगजेब ने क्या किया, इस्लाम का चेहरा औरंगजेब नहीं हो सकता, हिंदुत्व का चेहरा कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हो सकता,
हिंदुत्व का चेहरा शंकराचार्य हो सकते हैं, रामानंदाचार्य हो सकते हैं, माधवाचार्य हो सकते हैं, करपात्री जी महाराज हो सकते हैं, देवरा बाबा हो सकते हैं, हिंदुत्व का चेहरा कोई एमपी एमएलए नहीं हो सकता, ना इस्लाम का चेहरा कोई अकबर और जहांगीर और बाबर और हुमायूं हो सकता है। ये ध्यान रखिए, क्या किया औरंगजेब ने, इसकी सजा आज इस्लाम क्यों भुगते? और किसी किसी हिंदू राजा ने अत्याचार किया तो उसकी सजा हिंदू समाज आज का क्यों भुगतेगा? ये आग लगाने वाली कोशिश है। और आपने कहा संविधान अधिकार देता, नहीं, संविधान को गौर से पढ़िए, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बार ये मामला गया, अजय जी आगे बहस में आपके काम आएगा, दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लॉज को डिफाइन किया है, वो भी समझ लीजिए। ये बड़ा वेग सा क्लॉज था अभिव्यक्ति की आजादी, जावेद आब्दी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी संविधान प्रदत्त है, यस वी एग्री, लेकिन ये वहीं तक है जहां तक दूसरे की आजादी इससे प्रभावित नहीं हो जाए। ठीक, किसी माई के लाल को ये अनुमति नहीं, वो इस्लाम का अनुयायी हो, क्रिश्चियनिटी का अनुयायी हो या हिंदुत्व का अनुयायी हो, जो ये कहे कि दूसरे की खात्मे की डेट हमने तय कर दी, ये संभव नहीं। ये अराजकता है, ये अपराध है, ये घृणा है, और अपराध अराजकता और घृणा के लिए भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कानून में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बहस का राइट प्लेटफॉर्म ये है, यहां से बहस आगे चलनी चाहिए। बिल्कुल अग्रवंती साहब, आप ठीक कह रहे हैं। अमिताभ जी, अमिताभ जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न, बनाने से क्यों घबरा रहे हैं? अमिताभ जी छोटा सा, एक बोलिए, आगे बताओ, एक आदमी बोलिए, नहीं कानून आ जाए अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कानून के खिलाफ नहीं ना, मैं अपनी बात कह रहा हूं, बाकी अपने मित्रों से पूछिए। सारे लोग हरीश जी कानून बनाने के लिए आगे आना चाहिए। नहीं हरीश जी, मेरा प्रश्न दूसरा है ना, मैं कह रहा हूं किसी भी बदजुबान को इतनी इजाजत इस मुल्क में क्यों दें हम कि वो ये तय कर दे कि ये कौमें इस तारीख से खत्म हो जाएं? ये कौन सा तमाशा है? ऐसा तो जंगल राज है क्या? और एक बात मैं कहूं, जावेद भाई आ रहा हूं, वहां पर एक बात और कहूंगा, मैं चीजों को बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूं। अभी कल हिंदू महासभा ने एक चिट्ठी जारी की है, हिलाल लखवी, पता नहीं आपके निगाह से गुजरी कि नहीं भाई, उस चिट्ठी में मालूम क्या कहा गया? पहली बार मैं सुन रहा हूं, मुझे शर्म आती है, उनके कार्यकारी अध्यक्ष के दस्तखत हैं, उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को हम देश भर में शौर्य दिवस मनाएंगे, क्योंकि इस दिन देशभक्त नाथूराम गोडसे ने देशद्रोही गांधी को मौत के घाट उतारा था। यह हिंदुस्तान की रवायत है, मेरे लिए तो कसाब और गोडसे एक तराजू पर हैं। मुझे ना तुष्टिकरण की राजनीति में वोट चाहिए माइनॉरिटी के और ना मेजॉरिटी के, इसलिए मैं बहस करने का मादा रखता हूं। इस देश में गोडसे को पूजने के लिए शौर्य दिवस मनेगा, गांधी के हत्यारों को पूजने के लिए शौर्य दिवस, और सबसे बड़ा सवाल, ये सारा नाटक नौटंकी ड्रामा राजेश्वर सिंह से लेके और गोडसे को पूजने तक, आज गाजीपुर में भी गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा कि नहीं लगा? उत्तर प्रदेश में लगा? क्या आप लोगों के लिए शर्म की बात नहीं है कि हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहां गोडसे जिंदाबाद का भी नारा लग रहा है? हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। जो संविधान सम्मत नहीं है उस किसी बात को स्वीकार नहीं करती। संविधान कौन सी गीता या बाइबल हो गया महाराज, जिसके अंदर कोई संशोधन नहीं हो सकता? 100 से ज्यादा बार संविधान के अंदर संशोधन हुआ और इजाजत नहीं दी जा सकती। और देश का बंटवारा किस चीज का हुआ? सर गायत्री जी, देश का बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और मुसलमान के ऊपर, देश का बंटवारा हुआ किस चीज का ऊपर हुआ? और उस चीज की सजा आज पाकिस्तान के अंदर 22% जो हिंदू थे वो घट के 1% रह गए, और वो 1% जो है आज इस देश के अंदर जब आते हैं तो हम उनको वीजा के लिए उनको हम अंतर्राष्ट्रीय कानून समझाते हैं, जो इस सर्दी के अंदर खुले और प्यासे पड़े हुए हैं, और 3 करोड़ बांग्लादेशी आ जाते हैं तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आप सबको जगह दे देते हैं। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, अब आपकी बात आ गई, आप कहता जा जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था तो जनाब अमिताभ साहब, मोहतरम अमिताभ साहब, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आपके तारीख के पन्ने आपके सामने हाथ की हथेली की तरह है, कि उस वक्त दो तरह के मुसलमान थे, एक वो जो पाकिस्तान में थे और एक वो जो हिंदुस्तान में थे। यहाँ की
हिंदू महासभा चाहती थी कि यहां के मुसलमान निकल के पाकिस्तान चले जाएं, और पाकिस्तान के मुसलमान चाहते थे कि वो इधर आ जाएं, लेकिन वो मुसलमान जो हिंदुस्तान छोड़कर, हिंदुस्तान की पवित्र धरती को छोड़कर, गंगा मैया के और जमुना के पवित्र पानी को छोड़कर जा रहे थे, जहां पे उनके आबाओ अजदाद ने सजदे किए थे, जिस पवित्र पानी से उन्होंने वुजू किया था, जब जा रहे थे तो अपनी जिंदगी का सासा उन्होंने वाघा बॉर्डर पे छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया था और उस पाकिस्तान का नारा दिया था कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारे बुजुर्ग, हमारे आबाओ अजदाद वो छोड़कर आ गए थे पूरा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना था, पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था। हमने कहा हमें धर्म वाले मुल्क में नहीं रहना, हमें रहना है तो सेकुलर लोगों के साथ में रहना है। हमने वहां के मुसलमानों से इनकार करके ठोकर मारी थी और आप लोगों को सीने से लगाया था, इसलिए कि आप वहां महात्मा गांधी ने हमारे बुजुर्गों को बुलाया था कि तुम मत जाओ, तुम्हें मस्जिद की मीनारें बुला रही हैं, तुम मत जाओ, तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रें बुला रही हैं। आज हम यहां पर 22 करोड़ हैं, बताओ हम कहां जाएं। हमारे बुजुर्ग वहां रुके थे तो सिर्फ इसलिए रुके थे कि हम सेकुलर लोगों के साथ दिवाली मनाएंगे, उनके साथ होली खेलेंगे। हरीश जी ये मसला आज नहीं उठना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान किस बिना पर बना, क्यों? मैं एक उदाहरण बताऊं जो जावेद आबदीन का, उसी से जुड़ा एक उदाहरण बताता हूं। एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है। हिंदुस्तान दिल्ली के मुसलमानों ने अपनी अपने कनस्तरों में सामान रख लिया था और दरिया बांध ली थी सुतली से, इकट्ठे हो गए थे कि चलना है। मौलाना आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आते हैं, मौलाना आजाद की वो तकरीर अद्भुत तकरीर। उन्होंने कहा कि मुझे इस मुल्क के बहुसंख्यक लोगों ने भरोसा दिया है कि तुमको यही रहना है, ये वतन तुम्हारा भी है, मेरी बात पर यकीन करो और सामान खोल दो। हजारों मुसलमानों ने अपना बंधा हुआ सामान खोल दिया था। ये गारंटी हिंदुस्तान की थी। इस गारंटी पर आज कोई सवाल उठेगा क्या? ये हिंदुस्तान ने गारंटी दी थी, यहां की मिट्टी ने गारंटी दी थी, यहां के पानी ने गारंटी दी थी, यहां की हवा ने गारंटी दी थी, यहां की हजारों साल की उदार रवायतों ने गारंटी दी थी। एक पक्षी धारा चलेगी क्या? अमिताभ जी आपको सलाम है कि आज हिंदुस्तान में आप जैसा हक बोलने वाला आज टेलीविजन पर खुल्लम खुल्ला होकर बोलता है। नकवी साहब, खतर के बोलता है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को किस लिए नहीं दी अमिताभ? अजय गौतम जी, एक सेकंड, आप मुसलमानों में पूछता हूँ कि जो 20 लाख से ज्यादा हिंदू मारे गए पाकिस्तान से आते हुए, जिनकी बहनों बेटियों की इज्जत लूटी गई, जिनके घर तबाह के तबाह नस्ल तबाह हो गई, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी गौतम साहब? उनको 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 गारंटी दी थी महात्मा गांधी ने, जिस गॉड से जिक्र कर रहे हो, जिस गॉड से आप जिक्र कर रहे हो कि उसका इस देश में शौर्य दिवस बन रहा है, उसका कारण यही है जिनके 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 पूरे का पूरा खानदान तबाह हुआ पाकिस्तान के बंटवारे में, वो गॉड से सलाम करते हैं। थोड़ा धैर्य से। पाकिस्तान में लखवी और हाफिज सईद क्या कर रहे हैं, जुल्म व सितम, उसके चलते हिंदुस्तान की रवायत नहीं बदलेगी यहां रहने वालों के साथ। ये ध्यान रखिए कि भाई हाफिज सईद वहां 162 बच्चों को मार रहा है, तो क्या ये कोई कहेगा कि यहां भी वैसा होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होगा। ये हिंदुस्तान के मान का सवाल है। हम हाफिज सईद से सीखेंगे, हम पाकिस्तान से सीखेंगे जो एक असफल राष्ट्र है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई मुकाबला है क्या? ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा एक मुल्क जहां ना सत्ता है ना कोई सिस्टम है, जंगल हो गया, उसे सीखें कि वहां क्या गलती हो रही है। आज की नहीं, 47 की बात देखना होगा, आगे की बात कर रहा हूं मैं। गौतम साहब, आप दिल पे हाथ रख के बताइए, हिंदुस्तान में कोई माई का लाल इतना समर्थ है जो यहां से, यहां जो धर्म है उनमें से धर्म की धर्म मिटा दे? ये ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखी हुई इबारत है क्या, इस्लाम, ईसाइयत और हिंदुत्व, जो कोई मिटा देगा? अगर कोई मौलाना भी खड़ा होकर कहे कि मैं 100 साल में हिंदुस्तान से हिंदुत्व मिटा दूंगा, तो अमिताभ अग्निहोत्री उतना ही तीखा विरोध करने आएंगे। ये ध्यान रखिए, मैं एक पक्षी बात नहीं करता, लेकिन मुझे राजेश्वर सिंह जैसों के बयान मंजूर नहीं। ये पूरे हिंदुत्व को अपमानित करते हैं। हरीश जी,
क्या राजेश्वर सिंह जैसे लोग हिंदुत्व को अपमानित करते हैं? भाजपा क्या मानती है? ये राजेश्वर सिंह क्या कह रहे हैं? मैंने नहीं, आपको नहीं, पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी। मेरा सवाल तो सुन लो भाई हरीश जी, मेरा सवाल ही दूसरा है। मैंने आपकी बात मान ली, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजेश्वर सिंह को पहचानती नहीं, जानती नहीं, मानती नहीं, ठीक। अब आपसे हरीश श्रीवास्तव के तौर पर एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या राजेश्वर सिंह जैसे लोगों के बयान हिंदुत्व को अपमानित करते हैं? इस पर उत्तर चाहिए। मैंने आपसे अग्निहोत्री साहब पहले कहा कि हम तो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं और सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। मेरा सवाल ये नहीं, ये तो अपने आप में मेरा सवाल का उत्तर नहीं, ये मेरा सवाल का उत्तर नहीं। मेरा सवाल बहुत साफ है, क्या राजेश्वर सिंह जिस लोगों के बयान के 2021 यानी 7 साल बचे, भाई हिलाल नकवी जी, जावेद आब्दी जी, 7 साल बचे आप लोगों के पास राजेश्वर सिंह के मुताबिक? मैंने हरीश भाई सवाल सिर्फ इतना सादा सा पूछा, क्या ऐसे बेहुदे बयान हिंदुत्व की हजारों साल की उदार परंपरा को कलंकित नहीं करते? सिर्फ ये सवाल है, करते हैं या नहीं करते? हरीश जी सबका साथ सबका विकास छोड़ दीजिए। मैं तो उनके इस बयान से सहमत नहीं हूँ। नहीं, कलंकित करते हैं कि नहीं हिंदुत्व की परंपरा को? भारतीय जो उदात्त परंपरा है उसमें तो इस तरह की बातों का कोई स्थान नहीं। कलंकित करते हैं कि नहीं? स्थान नहीं है, अलग चीज है। जाने दीजिए अमिताभ जी, आप कहां सवाल पूछ रहे हैं? हम सब लोग जानते हैं कि इसके पीछे की राजनीति क्या है, सारी जनता देख रही है, सारे दर्शक इस चीज को देख रहे हैं। और ये वही बात है कि ए टीम, बी टीम, सी टीम, जैसे हमने पहले कहा था, ये सारी की सारी नदियां जो है आखिर में जाकर के समंदर से ही मिलती हैं, तो ये कैसे समंदर जो है वो अपनी नदियों को कैसे कह देगा? हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते आप, मानते हैं ये बातें? जो सवाल, मुझे ये 22 करोड़ नहीं, हिलाल भाई फिर एक सवाल खड़ा होता है, 22 करोड़ लोगों को 7 साल में आप बिना भय के कैसे सोच रहे कौन से एक्शन प्लान बना लेंगे? अमिताभ भाई देखिए, हम इसमें तैयार करेंगे इसमें एक बात बहुत ही तमाशा, जो जो इस तरह के सवाल जब किए जाते हैं राजेश्वर सिंह जैसे लोग अगर इसका उठाते हैं, तो राजेश्वर सिंह के खिलाफ खड़े होने वाले हजारों और लाखों करोड़ों लोग हैं। देखिए, हम हिंदुस्तान के अंदर हर हिंदुस्तानी की सुरक्षा दूसरा हिंदुस्तानी देता है, ना कोई पुलिस हमको सुरक्षा देती है, ना कोई सेना हमको सुरक्षा देती है, और ना ही कोई कानून हमको सुरक्षा देता है। हमारी सारी सुरक्षा जो है वो हमारे भाई लोग हमको देते हैं। कोई सेना, कोई पुलिस जो है वो इतनी सक्षम नहीं है जो इतनी 125 करोड़ की जो यहां आबादी है उस 125 करोड़ को नियंत्रित कर सके। यहां के हम 22 करोड़ की बात नहीं करते, क्योंकि हम जो है वो 125 करोड़ की बात करते हैं, हम हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी अगर मारा जाएगा तो दूसरा हिंदुस्तानी निश्चित रूप से खड़ा हो जाएगा अगर वो निर्दोष है। ठीक है, अगर धर्म के नाम पर मार दिया गया तो दूसरा हिंदुस्तानी निश्चित रूप से खड़ा होगा। हमारी सुरक्षा वो सोच रखने वाले लोग हैं, हमारी सुरक्षा राजेश्वर सिंह या गौतम साहब जैसे लोग नहीं हैं, इनसे हमको डर भी नहीं लगता है। हम डरा भी नहीं रहे, तादाद कम है, हम आपको डरा भी नहीं रहे, हम सिर्फ अपने बयानों को डराने के लिए 65 साल की आजादी बयान गुलामी जो अजय गौतम की गुलामी आज की बात हो गया हो, भले देखिए आप इस प्रकार की बात आज भी गौतम साहब सबके जवाब है, पूरी दुनिया में ऐसा सबके जवाब है। लेकिन नकवी जी एक मिनट लूंगा, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल दीजिएगा। ये मुल्क में आप मुझे बताइए, आप 22% अस्वीकार है, हम 78% अस्वीकार है, मुझे पूरी दुनिया के नक्शे पे एक एक देश ऐसा बता दीजिए जहां 78% लोग रहते हो और वो अपने भगवान राम का मंदिर बनाते हो, बनाना चाहते हो, वो मंदिर उस वो ना बना पाए, वो पंचकोसी यात्रा निकालना चाहते हो, वो यात्रा ना निकाल पाए, वो रामलला की बात करना चाहते हो, रामलला की बात ना करना पाए, आप 22% की बात करते हो। मैं कहता हूं 78% होते हुए भी हमारे भगवान राम का टेंट है, जो मंदिर है वो टेंट के अंदर है, क्योंकि 22% आप है। तो मुझे बताइए पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क अगर आपको मिल जाए, कोई ऐसा देश आपको मिल जाए जहां 78% इस तरीके की शर्मिंदगी में रहते हैं 65 साल में, तो मैं आपकी सारी बात स्वीकार करने को तैयार हूं। हिलाल नकवी जी जवाब दे, गौतम साहब बस एक मिनट देंगे इसका जवाब देने में हम आपको। गौतम साहब, हिंदुस्तान की खूबसूरती भी तो इसी में है। हिंदुस्तान जो है वो सारी दुनिया में जो इज्जत पाता है वो इसी वजह से पाता है।
हिंदुस्तान का हर आदमी अपने आप को हिंदुस्तानी समझता है, इसी वजह से समझता है क्योंकि यहां के ऊपर कानून व्यवस्था है। यहां पर कोई भी बात जोर जबरदस्ती से झगड़े से नहीं हल होती है, यहां के पर हर बात जनतंत्र है, जनतांत्रिक तरीकों से हल होती है। पड़ोस का देश गौतम साहब आपके लिए आइडियल हो सकता है, आप उसके पुजारी हो सकते हैं पड़ोस के देश के अंदर, जिस प्रकार की राजनीति चल रही है और जिस प्रकार की घृणा से भरी हुई वहां के ऊपर हरकतें हो रही हैं, कम से कम हिंदुस्तानी बाकी का जो है वो उससे प्रभावित नहीं है। कानून का सम्मान गौतम साहब ने किस लिए ऑर्डिनेंस आया, क्या वो न्यायपालिका का वो जो है अपमान नहीं था, वो पुष्टिकरण की होती बात आ गई। अजय गौतम भाई बहस मुझे कंडक्ट करने दो, गौतम जी से एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ दो मुल्क है कि जो धर्म के आधार पे बनाए गए, एक पाकिस्तान और एक इजराइल, और आज दोनों का हशर देख लीजिए कि जो धर्म के आधार पे बना, पाकिस्तान का हशर देख लीजिए कि टूटने के कगार में है। आज वहां से कोई जवान घर से निकलता है तो पता नहीं कि एक घंटे के बाद उसकी लाश आएगी। इजराइल बढ़िया है, इजराइल आइडियल हो, लेकिन आप लोग बिल्कुल पाकिस्तान के नक्शे कदम पर इजराइल के, इजराइल के तालिबानी मिजाज बना रहे हैं। सिर्फ उन्होंने इजराइल के कमेंट नहीं, ठीक है जावेद भाई, मैं एक बात कहूं, राम मंदिर का मसला उठाया गौतम साहब ने, उस मसले को भी एड्रेस करना चाहिए, किसी सवाल से बचना क्यों। आपको याद नहीं होगा अजय गौतम जी, अयोध्या में बरसों ये नारा लगा जिसको हाशिम अंसारी ने भी आवाज दी कि नेता सारे ठाट में, रामलला है टाट में, राम के नाम पर राम के नाम का ताबीज बना के सियासत का कारोबार करने वालों ने राम मंदिर को विवादित कर दिया। हाशिम अंसारी और महंत रामचंद्र परमहंस दास आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा, एक रिक्शे पर बैठकर कचहरी जाते थे, कहां खटास थी, जितनी आपकी यहां चैनल में दिख रही उतनी भी नहीं थी। और मौलाना और महंत रामचंद्र दास चाय पीते थे एक साथ बैठकर, मुकदमा भी लड़ते थे। कानून का राज है, ठीक बात है, कानून में छोटे से छोटे आदमी को अपने केस को लड़ने के हक हासिल है, क्या दिक्कत है इसमें। सारे विवाद सुलझ गए होते अगर सियासत दावा नहीं कूदे होते, ये बात मैं ही नहीं कह रहा, केवल चेहरे खराब हो जाएंगे। अशोक सिंघल ने कहा था एक बार कि अडवाणी यात्रा लेके नहीं निकलते, भाजपा इसमें नहीं कूदती तो मंदिर बन गया होता। मैं नहीं कह रहा, वो भी कह चुके हैं, उस ब्रिगेड के सबसे बड़े नेता, क्या मतलब है इस बात का। और कानून का राज तो चलना ही चाहिए, मामला राजा का हो चाहे रंक का हो, क्या दिक्कत है इसमें, हम क्यों सीखे पाकिस्तान से। मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा है, क्या कोई राजेश्वर सिंह यह बोलने की हैसियत रखता है, अगर हां तो उसको यह हैसियत किसने दी। मैं क्रिश्चियन माइनर कन्वर्जन के खिलाफ, मैं मीनाक्षीपुरम के कन्वर्जन के खिलाफ बोला, मैं राजेश्वर सिंह के भी खिलाफ खड़ा हूं, इसलिए मैं बीच में खड़ा हूं, मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूं, मैं चर्च के साथ नहीं खड़ा, मैं उत्पात मचाने वाली मस्जिदों के साथ नहीं खड़ा और घृणा का संदेश प्रसारित करने वाले मंदिरों के साथ भी नहीं खड़ा, मैं केवल उन देवालयों के साथ खड़ा हूं जहां से प्रेम और सौहार्द और सद्भाव की गंगा बहती है। क्या दिक्कत है, हिंदुस्तान में सद्भाव से नहीं रह सकते, और रहना वही पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। तो आज आप सवाल उठा रहे हो मुगलों की गुलामी, मुगलों की गुलामी का इतिहास का शुद्धिकरण आज आप करेंगे, आज करेंगे, कब करना चाहिए। नहीं, इतिहास में ऐसी गलतियां जिन कौमों ने की वो कौमें मूर्ख कहलाई, कि 2000 साल पुराना इतिहास खोल के आज बैठ गए बोले दुनिया कहां जा रही है। हम इस बात में लड़ रहे हैं कि जी औरंगजेब ने जो गलतियां की उनका निपटारा, मैंने कहा वो तब से चल रही है साहब और आज तक जारी है। नहीं, मैंने ये कहा वो आज तक जारी है, मैं केरल के चीफ मिनिस्टर के बयान को जिम्मेदारी के साथ कोट कर रहा हूं। का राज है,
चीफ मिनिस्टर के बयान मेरी नजर से भी गुजरा था, उस पर मुकदमा भी हुआ था। आपके ही मुताबिक उसमें 850-850 मुकदमे दर्ज हुए ना, कानून का राज है इसीलिए मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन परंपरा तो चल रही है, परंपरा करो राजेश्वर सिंह निभा रहे तो क्या है? नहीं संभव नहीं, महाराज जहर को जहर से ही मारा जाता है, जहर के लिए कोई विष नहीं आता, जहर को ही जहर से मारा जाता है। हरीश श्रीवास्तव जी, ये जो उग्र हिंदुत्व की जो लहर है, गोडसे जिंदाबाद, गोडसे अमर रहे, जहर को जहर से मारेंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जो ललकार वाली टोन है ये इधर 90 के बाद खत्म हो गई थी, ये इधर 2-3 महीने से फिर हवा कैसे आ गई? भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सौहार्द की बात करती है, सबके साथ और सबके विकास की बात करती है। हमारे प्रधानमंत्री का नारा है हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं, तो जो उनके आइडियल्स हैं हम उस पे चलते हैं। नहीं लेकिन फिर साक्षी जी का क्या करेंगे, निरंजना ज्योति का क्या करेंगे, योगी जी का क्या करेंगे? ये तो सब पार्टी के है ना, ये तो धर्म जागरण समिति के नहीं है, ये तो ओरिजिनल पार्टी के। नहीं तो साक्षी जी ने और साथी निरंजन ज्योति दोनों ने माफी मांगी। नहीं दिल से तो खेद प्रकट किया, साक्षी जी ने दिल से तो ये बोला ना कि गोट से राष्ट्रभक्त था, यही बात तो हिंदू महासभा कह रही है, बाद में डांट फटकार ढंग से बोल दिया। तीन बार पार्लियामेंट में माफी मांगी ना उस पे। हरीश जी पहली बार जो किया वो हृदय से किया, बाद में डांट डपट हुई तो माफी मांग ली, लेकिन वो चेहरा तो सामने आया ना। नहीं लेकिन जो नेतृत्व वर्ग का तो वो अस्पष्ट है ना, नजरिया नेतृत्व वर्ग का अस्पष्ट है ना। मैं ये नहीं समझ पा रहा, जो आदमी इतना सीनियर है आपकी पार्टी में, जो कई पार्टियों से आने के बाद भी एमपी हो गया आपकी पार्टी से, वो आदमी अगर राष्ट्रभक्त बता रहा है गोडसे को, इसका मतलब उसके दिल में कोई हिलोर उठी होगी गोडसे के प्रति मोहब्बत की, वो हिलोर क्यों उठी? मेरा सवाल ये है, इसको आप उनसे ही पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। हिलाल जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए अमिताभ जी, यहां पर बड़े खेद के साथ हमको ये बात कहनी पड़ रही है कि विकास का मुद्दा लेकर के नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह इलेक्शन लड़ा था। आज की तारीख में 6 महीने हो गए हैं, शायद कोई महीना ऐसा गया हो जब यह डिविसिव पॉलिटिक्स जो होती है उसके विषय में कोई ना कोई बयान लगातार ना आया हो। हमेशा आता रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा आकर के कहते हैं कि संयम रखें, जो हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी कहते हैं संयम रखें अमित शाह साहब, लेकिन क्या इस बात को कोई मान सकता है कि वो नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने फोन करके बाराबंकी की एक सांसद को ये बता दिया कि अपने पिताजी को आप अपने ऑफिस में ना रखें और उन्होंने इस बात को तुरंत मान लिया था, करना पड़ा। तो जो नरेंद्र भाई मोदी की इतनी पकड़ है सरकार के अंदर और एमपीज के ऊपर, इस बात को हम कैसे मान ले कि क्या ये वो नहीं है कि विकास करने में असफल हो गए हैं? मैन्युफैक्चरिंग जो आपके ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में आ गई है। ग्रोथ रेट में मत जाओ, हम जान ही रहे हैं अमिताभ भाई, हम जान ही रहे हैं। आज की तारीख में आप उनसे जो विदेश यात्रा करके आए उसका कोई ब्यौरा नहीं मिला है, आर्थिक विकास पे कोई हमको ब्यौरा नहीं मिला है, लेकिन इश्यू डाइवर्ट हो जाएगा, मुस्लिदर नहीं जा रही है। मोदी की परफॉर्मेंस पे चर्चा नहीं कर रहा हिलाल भाई, मोदी सरकार की परफॉर्मेंस। आपको एक मिनट दीजिए, हम इसको पूरी कर ले बात को। ये जो है ये खाली जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक प्रकार की राजनीति है और इसके द्वारा एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। एक वो लोग जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी को यहां पे बैठाला है और लोगों ने ये बयान तक दे दिया था कि भारत की आजादी के बाद से पहला हिंदू राज्य जो है वो बना है, 800 साल ये बयान भी दिया गया है, आपको याद होगा। ठीक है हिलाल भाई, आगे उन लोगों को भी खुश करने की कोशिश की जा रही है, हिलाल भाई आम जनता का ध्यान भटकाने की भी कोशिश की जा रही है। भाई वो लोग नासमझ है, उनको इतिहास का ज्ञान नहीं, इस सालों सैकड़ों के तो छोड़ दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी 20-20 के ब्राह्मण थे और खाटी हिंदू थे, कोई समस्या? मुरारजी भाई हिंदू थे, चरण सिंह हिंदू थे, विश्वनाथ प्रताप हिंदू थे, पृथ्वीराज चौहान के वंश से आते थे, वो भी ठाकुर थे, ये भी ठाकुर थे, ये कैसा इतिहास बोध है जो बता रहे 800 साल बाद हिंदू समाज आया? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर, ये लाल बहादुर शास्त्री सिर से पांव तक भला आदमी, ये कैसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास की किताब नहीं पढ़ी? कक्षा 5 में इतिहास पढ़ लेते तो आज ये गलती नहीं होती। वो सेक्युलरिज्म वाले हिंदू थे साहब,
ठीक है, एक वो सेक्युलरिज्म वाले अगर आप देश अगर आप जो है चाहते हो अमिताभ भाई और नकली भी तारीफ में इंडियन सिविल कोड आ जाए, संविधान को आप सेक्युलर मानते हो, कॉमन सिविल कोड किससे आपको रोका है? अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए आप कीजिए ना कोशिश। अब बिल्कुल होगी होगी, अब नहीं होगी, छह महीने आप ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद जी, जितनी मुखरता के साथ भगवा ब्रिगेड अब इन मसलों को उठा रही है कि इस्लामियत नहीं रहेगी, ईसाइयत नहीं रहेगी, इससे पहले तो नहीं उठाया गया, अब ऐसा क्या हो गया अचानक कि ये मुद्दे इतने जोर शोर से उठ रहे हैं? आखिर किसने राजेश्वर सिंह को इतनी हैसियत दी? अरे इसमें मैं थोड़ी एक लाइन जोड़ दूं गायत्री जी के सवाल में, तब शायद बेहतर चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे अपने को सबको पता है कि गाजर सर्दी में होगी और तुरई गर्मी में जब पड़ेगी तो तुरई होगी, तरबूज होगा, खरबूज होगा। इसका मतलब है फसल जब उगती है तो मौसम अनुकूल आता है तो फसल उगती है। सर्दी में तरबूज नहीं हो सकता गंगा की कटरी में, ठीक ना? जाहिर है ये भगवा। अब लेकिन गर्मी में लपट जितनी तेज उतनी उतने बढ़िया तरबूज मीठा। ये मौसम आ गया है क्या? हिंदू महासभा 50 साल से सुप्त पड़ी थी, कल स्टेटमेंट जारी कर दिया, बोले शौर्य दिवस। गांधी जी की हत्या आज हुई क्या? शौर्य दिवस पहले क्यों नहीं मना लिया? कभी तब तो कभी नहीं मनाया। आज कौन सा मौसम आ गया ये मैं समझना चाह रहा हूं कि राजेश्वर सिंह कैलेंडर लेके आ गए, हिंदू महासभा आ गई, करी गोडसे का मंदिर बनाएंगे जी दिल्ली में, मूर्ति लगाएंगे जी देश भर में, ये क्या है मौसम पर मैं समझना चाह रहा हूं जावेद आबदी। इन लोगों को 2017 के चुनाव नजर आ रहे हैं और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ा इन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे पर, और अब 6 महीने में नरेंद्र मोदी जी के सारे एक्शन को देख लिया कि सुपर फ्लॉप गई है, सिर्फ ये घूम रहे हैं, एनआरआई प्रधानमंत्री बन गए हैं और आज जनता पूछ रही है कि जो तुमने सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया था आज किसका विकास किया है, अच्छे दिन के जो नारे दिए थे आपने किसके अच्छे दिन आए हैं? नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के आज चाइना में है तो कल इंग्लैंड में है तो परसों अमेरिका में है, सिर्फ वो एनआरआई प्रधानमंत्री शायद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतना सफर इतनी जल्दी नहीं किए होंगे। शायद उन्होंने जिंदगी में सपने देखे होंगे अच्छे दिन के कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो यहां यहां सफर करूंगा। आप बताइए जो इन्होंने घोषणा पत्र दिया था, जो इन्होंने अनाउंस किया था, जो इन्होंने तकरीरें की थी, जो इन्होंने भाषण किए थे, उसमें से कौन सी चीज इन्होंने की है? आज क्योंकि 2017 के चुनाव है तो ये अपनी रेल को अपनी पटरियों से हटाकर इन्होंने बजाय इसके के, क्योंकि जो इन्होंने लोकसभा का चुनाव था इन्होंने मिक्स प्लेटर दिया था, किसी को डेवलपमेंट चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी के पास डेवलपमेंट है, किसी को हिंदुत्व चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी के पास हिंदुत्व है, किसी को मंदिर का मुद्दा चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी के पास हिंदू ये मंदिर बनाने का मुद्दा है, मंदिर बनाएंगे। तो जाहिर है कि पहले प्लान में फेल हो गए, वो बी प्लान इन्होंने शुरू किया है कि अब हम हिंदुत्व को बढ़ाएं और एक जगह से सारे कट्टर लोगों को यूनाइट कर मंदिर के नाम पर, कभी गांधी जी के कातिल के नाम पर जमा कर 2017 की तैयारी करें। लेकिन जनता जानती है कि हमारी समाजवादी पार्टी विकास की पार्टी है, यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है, यहाँ पर आगरे से लेकर और लखनऊ दिख रही है। हरीश जी, हम सबसे अलग अलग सवाल पूछेंगे एक दूसरे पर। हरीश जी, क्या जिस ढंग की उग्रता दिख रही है क्या आवाम ये माने कि उग्रता के लिए अनुकूल मौसम आ गया है इधर कुछ महीनों से? क्योंकि उग्रता 90 के बाद खत्म हो गई थी हिंदुस्तान में, 92 के बाद माहौल नरम हो गया था, ये अचानक गर्म हो गया क्योंकि पहले भी उग्रता में इन्होंने वही समझना चाह रहा हूं हरीश जी, पहले भी उग्रता ली थी तो इन्होंने कल्याण सिंह जी को कुर्सी पे बिठाया था, फिर क्या मनमाफिक हरीश भाई, क्या मनमाफिक थानेदार आ जाने से थाने में कुछ एक खास तरह के लोग ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं? अमिताभ साहब, पहले मैं जावेद साहब की बात का जवाब दे दूं कि ये शायद सरकार के विकास का आकलन अपनी सरकार का कर रहे थे समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट का, जिसके 2.5 साल बीत चुके हैं,
जिनके सुप्रीमो को ये कहना पड़ा कि मंत्री लोग कमीशन खो रहे हैं और एक गांव का विकास नहीं कर सकते। अभी तो 6 महीने हुए हैं और जो कूटनीतिक सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिली है, इससे ये सब ईर्ष्या संसद में बताइए, संसद में तो बताइए, उस पर व्हाइट पेपर तो इशू कीजिए। गाली जो है वो गाल क्यों बजा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कूटनीतिक सफलता सरकार को मिली है, उससे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सभी लोगों को ईर्ष्या हो रही है। मैं तो अनर्गल बातें, अनर्गल प्रचार प्रारंभ कर रहे हैं। हरी जी, मेरा सवाल हिलाल भाई, मेरा सवाल बहुत मासूम और अलहदा है। कूटनीतिक सफलता के लिए शुक्रिया और मिले, परमात्मा करे भारत का नाम विश्व भर में गूंजे, अच्छी बात है, इस पर किसी को एतराज नहीं, ना मुझे, ना हिलाल लखवी को, ना जावेद आब्दी को, ना अजय गौतम को, किसी को नहीं हो सकता, अच्छी बात है, इस पर कोई विवाद ही नहीं, तो बहस क्यों करें? विवाद सिर्फ इस पर है जो मैंने सवाल किया, ये सर्दी में तरबूज कैसे पैदा हो रहा है? क्या गर्मी आ गई? अगर तरबूज है तो गर्मी आ गई, ये मौसम अनुकूल आ गया क्या? यही राजेश्वर सिंह आज के तो है नहीं, इनकी उम्र 6 महीना तो है नहीं राजेश्वर सिंह की, 10 साल कहां थे, 20 साल कहां थे, 25 साल कहां थे? एक ये हिंदू महासभा, ये गोडसे और गांधी जी का प्रसंग आज का है? आज गांधी जी परलोक सिधारे थे नहीं ना? आज मूर्ति बनाने के लिए चेतना कैसे जागी, लहर कैसे आई मन में कि सो के उठे अचानक रात में सपने में गोडसे आया, बोले चलो मूर्ति बनाएंगे? ये तरबूज सर्दी में तो हो नहीं सकता, इसका मतलब गर्मी आ गई। अमिताभ साहब, कई लोग ऐसे हैं, कोई क्रिकेटियर की किसी की मूर्ति बना के पूजन कर रहा है, कोई कोई किसी की मूर्ति, तो इस देश में नहीं, आप देखिए कि कोई किसी हीरो हीरोइन की मूर्ति लगा के उसकी माफ करिए हरीश जी, अमिताभ जी बोल दीजिए, एक मिनट, मुझे बहुत खेद है, अगर अमिताभ भाई बोलने दीजिए आप इनको, हिलाल भाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, प्रवक्ता की आवाज आ रही है। मुझे खेद है अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये माने कि गोडसे की मूर्ति इस मुल्क की जमीन पर वैसी ही है जैसी सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन और रजनीकांत। मुझे खेद है कि जो लोग मुझे खेद लगाने जा रहे हैं, आप ये सवाल उनसे कीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी किससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं, आप जो लोग ये विवाद साक्षी महाराज जी ने तो शुरू किया है, उनसे इस बात ये इस बात के सूत्रधार साक्षी महाराज जी तो हैं, तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं होगा तो किससे होगा? महाराज ने जो कहा था उसके सूत्रधार वही है, उन्होंने आपकी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ABCDEFGH जो टीम है उसको इशारा किया है, इन्होंने कहा है कि आगे सरकार क्या चाहती है, ये उसका इशारा था। अच्छा ठीक है हिलाल भाई, एक सवाल मैं अजय गौतम से पूछूं, अजय जी अब आप अपनी बात, आप तो बहुत क्रांतिकारी हो जाते हैं भाई, अजय जी से करना है, अजय ना, अजय जी एक मिनट, नहीं मेरी सवाल का जवाब दे दीजिए मित्र, आप तो आपको तो पार्टी में चुनाव लड़ना नहीं किसी नहीं है ना, तो ईमानदारी जवाब दीजिएगा, क्या तरबूज का मौसम आ गया इसीलिए तरबूज बिक रहा है? देखिए साहब मैं बड़ी स्पष्टवादी दिल से बोल बताना, बिल्कुल दिल से कहूंगा, बिल्कुल दिल से कहूंगा मैं साफ बात। हाँ। देखिए सबका साथ सबका विकास, ना कोई गुजरात गया, ना हमने देखा, ना कोई और गए होंगे जो वोट डालने गए। भारतीय जनता पार्टी मैं स्वीकार कर, मैं आरएसएस में था जब 7 साल की उम्र उसमें था और मुझे गर्व है मैं आरएसएस में रहा जी, ठीक है, हरीश जी की अपनी राजनीतिक मजबूरी होगी, वो स्वीकार ना करे ना करे, लेकिन मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं तो स्पष्ट बात कहूंगा, सच बात, मैं सच बात कहूंगा कि देखिए अगर हिंदुत्व का मुद्दा नहीं होता, हिंदुत्व का मुद्दा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनती। अगर अगर नरेंद्र मोदी ने वो गोल्ड जो मुस्लिम टोपी पहन ली होती तो वो देश के प्रधानमंत्री ना होते, गोधरा के लिए उन्होंने माफी मांग ली होती तो वो देश के प्रधानमंत्री ना होते। तो मतलब तरबूज का मौसम आ गया, हिंदुत्व का ब्रांड है, तरबूज का मौसम आ गया, हिंदुत्व का ब्रांड है, वो हिंदुत्व का ब्रांड है, इसलिए देश के हिंदुओं ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया। हरीश जी प्रधानमंत्री बने, एक मिनट हरीश जी, आचार्य अजय गौतम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इसलिए प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो हिंदुत्व के आइकॉन है, ब्रांड है, ये उन्होंने गोधरा की भी बात की, अमिताभ जी हो सकता है, अमिताभ जी उन्होंने गोधरा की भी बात कही है, बहुत अच्छी आदमी हो सकता है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, स्पष्ट बात करता हूँ, लाल लपेट जो दिल में है वही जबान पे आपकी, आप भाई मैं कम से कम सब बयान कर दी, मैं कम से कम अजय गौतम की तारीफ करूंगा, आडंबर तो नहीं,
बात तो सीधी सच है, उनका निजी वक्तव्य है, लेकिन स्पष्ट है से उनके निजी ख्यालों से, उनके निजी विचारों से देश का कोई लेना देना नहीं। देश का देश का नागरिक हूं मैं, तो अपनी सोच क्या मतलब, देश के नागरिक नहीं है आप, उनको देश की नागरिकता से मुक्त किए दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को हरीश भाई आप उनको देश की नागरिकता से मुक्त किए दे रहे हैं। के लिए टोपी लगा के घूमे, देख लीजिए अगली बार 2017 में क्या होता है। ठीक है, ये गौतम भाई आपकी तो नागरिकता ही समाप्त कर दी हरीश भाई ने। मुझे हरीश भाई या भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मेरे को, लिए विचार हो सकते हैं आपका, जो बात है आप जो कह रहे हो आपके निजी विचार हो सकते हैं। गौतम साहब आप तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। महाराज मैं तो हिंदुत्व, मैं तो इस देश की जमीन है, मुझे आप घर के रहे हो घाट के रहे, बीजेपी का पार्ट नहीं हो, आपको भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ, मैंने स्थिति आ गई है। ये हमारा ही शासन है और देखना है देश हिंदू राष्ट्र हो जाए। अजय गौतम जी एक मिनट, एक हो गया समय समय नहीं, अमिताभ जी से बात करेंगे। अजय गौतम जी की इस बात के लिए तारीफ करूंगा, उन्होंने बात तो साफ कही, अच्छी बात लगे बुरी बात लगे अलहदा मसला है, लेकिन बात कही साफ। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम राजेश्वर सिंह को नहीं पहचानते, उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने टोपी नहीं पहनी, मोदी ने गोधरा के लिए माफी नहीं मांगी, हिंदू आइकॉन बने, हिंदू के हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बने, इसलिए इस देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, ये एक राय उन्होंने रखी। ये राय जो मैं पूछ रहा था ना बार बार कि क्या तरबूज का मौसम आ गया, ये राय बताती है कि मौसम तरबूज का आ गया है, इसलिए तरबूज सुर्ख चटक है, सुर्ख चटक ऐसे चक्कू लगा के बीच से कटता है ना, खांप निकालो आह सुर्ख, ये तरबूज इसलिए सुर्ख है क्योंकि एक बात अजय जी ने और कही, उनसे उस मानस को समझने की कोशिश करें हम लोग, उस इबारत को जो उन्होंने कही कि हमारा राज आ गया, अब नहीं होगा तो कब होगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि मौसम आ गया, अन्यथा 50 बरस हो गए गांधी को, गए हुए 60 बरस हो गए, आज तक तो गोडसे की मूर्ति लगाने कोई माई का लाल आया नहीं, आज सार्वजनिक बयान देके गोडसे की मूर्ति लग रही है, कहा जा रहा है जी लगाएंगे और पूजा करेंगे। मैं फिर दोहराऊं, मेरे लिए गोडसे और कसाब की उसमें कोई फर्क नहीं, चरित्र में जान लीजिए, गांधी की से मेरी असहमति और सहमतियां हैं कई मुद्दों पर, मैं विचारशील आदमी हूं, लेकिन फिर भी मैं गांधी को इस देश की एक बहुत बड़ी आत्मा मानता हूं। और एक बात कहें, हिंदू मुसलमान के नाम पर गांधी ने भेजा था राम मनोहर लोहिया को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हो रहे थे दंगे, लोहिया अपनी एम्बेसडर कार में, किसी मित्र की कार थी उसमें, एक मुसलमान मित्र को एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे, हिंदुओं ने घेर लिया, प्रतिशोध था दोनों तरफ से, झूमा झटकी हुई, उसका पजामा खुलवा के देखा गया शिनाख्त के लिए और कहा गया कि भाई तुम हटो, तुम हिंदू हो, ये मेरा शिकार है, इसको मुझे दो। लोहिया ने कहा नहीं, या तो ये सुरक्षित जाएगा या पहले मैं मरूंगा, मेरे लिए हिंदुस्तान की नजीर ये होनी चाहिए। आचार्य धर्मेंद्र ने क्या कहा, ये नहीं होना चाहिए, और औरंगजेब ने क्या किया, ये नहीं होना चाहिए। साक्षी महाराज क्या बोलते हैं, ये हिंदुस्तान का मिजाज नहीं है, हिंदुस्तान का मिजाज ये है जो सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया हमको, जो गांधी ने सिखाया, जो लोहिया ने सिखाया, जो जयप्रकाश ने सिखाया, विनोबा भावे ने सिखाया, जो शंकराचार्य ने सिखाया, जो निजामुद्दीन औलिया ने सिखाया, जो गरीब नवाज ने सिखाया, वो रास्ता है। कोई बादशाह, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मजहबों का चेहरा नहीं हो सकता। बाबर हिंदुस्तान में इस्लाम का चेहरा नहीं हो सकता, इस्लाम का चेहरा गरीब नवाज होंगे, इस्लाम का चेहरा निजामुद्दीन औलिया होंगे, वो पीर फकीर होंगे इस्लाम के चेहरे। हिंदुत्व का चेहरा कोई चंद्रगुप्त चाणक्य नहीं हो सकता, अशोक नहीं हो सकता, संत होंगे वो लोग जिन्होंने समाज को रास्ता। हम आज शासकों में नायक ढूंढ रहे हैं, धर्मों के प्रतीक ढूंढ रहे हैं, शासक धर्म के लिए नहीं पैदा होते, शासक काम करने ही करे वही अच्छे लगते हैं।
वेद ने कहा राजा का कोई लिंग नहीं होता, जेंडर नहीं होता, राजा का कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, राजा निरपेक्ष होना चाहिए, ना अगला ना पिछड़ा, ना स्त्री ना पुरुष, ऐसा होना चाहिए। और अगर यह भावना कहीं भी तय हो जाए, कहीं भी ट्रेवल करने लगे, तो मैं इसको एक खतरनाक संकेत मानता हूं, मेरी चेतावनी आवाम सुनेगा, जब यह लगने लगे कि अब नहीं होगा तो कब होगा, मौसम बदल गया तो समझ लीजिए खतरा सिर पर है। अब नहीं हो तब नहीं का क्या मतलब? कानून तब भी था, कानून आज भी होना चाहिए। क्या आज आप सोच रहे हो कि कानून के परे जाके काम करेंगे? अगर यह सोच है तो यह सोच गलती है, गलत है। यह राजशाही नहीं है, कानून से चलने वाला हिंदुस्तान है, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी सबकी बराबर की हैसियत है, बराबर की जगह है। एक बाप की वसीयत में सारे बेटे बराबर के हकदार है। और कोई इतना बड़ा आदमी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हो सकता जो बेटों की हैसियत में हेर फेर कर दे, संभव नहीं। हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा ऐसे किसी प्रयोग को। प्रधानमंत्री तो जैसे तैसों को, कैसों कैसों को हिंदुस्तान ने बना दिया, लेकिन गांधी और जयप्रकाश किसी को नहीं बनाया। दोनों चुंगी के पार्षद नहीं रहे कभी, नगर निगम का चुनाव भी नहीं लड़े, राजाजीपुरम से लखनऊ से जयप्रकाश, गांधी नहीं लड़े गाजीपुर से कभी प्रधानी का चुनाव, लेकिन गांधी भी अपने अपने नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री से 6 हाथ ऊपर थे, और जयप्रकाश भी अपने नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री मुरारजी से 6 हाथ ऊपर थे, जयप्रकाश के चरणों में बैठकर सरकार बनी थी। इस देश ने हमेशा उन लोगों को पूजा है, सरकारें हमारे लिए कभी आइकॉन नहीं रही। लेकिन मैं फिर यह कहूंगा, यह राजेश्वर सिंह जैसे लोगों को हुकूमतों का काम है, जावेद आब्दी जी यह काम उत्तर प्रदेश की हुकूमत का भी है। निगाह रखिए, वो तिलक लगाए या टोपी लगाए, सरकार का डंडा बराबर चलना चाहिए। तिलक और टोपी से डंडे में भेद नहीं होना चाहिए। टोपी लगा के नफरत फैलाए उसके भी डंडे लगना चाहिए, और तिलक लगा के नफरत फैलाए उसको भी जेल जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अमन चैन को दांव पर लगा देंगे लोग। आज मैं देख रहा हूं कि बनारस में घर वापसी का कार्यक्रम है, वो प्रधानमंत्री के कार्य क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र, वहां भी भवाले जान 25 को उनको वहां जाना है। दुनिया में क्या छवि बनेगी कि भारत के प्रधानमंत्री के कार्य क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में यह बवाल चल रहा है? कैसी छोटी मानसिकता। और अभी हमारे हरीश भाई कह रहे थे कि दुनिया भर में हमने मान कमाया, यह मान कमजोर हो जाएगा नादान लोगों के चलते। मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से, इन नादानों की जुबान पर लगाम लगाइए, ये देश की हवा को जहरीला कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नकवी साहब आपका, हरीश जी आपका, और आचार्य गौतम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।